लुधियाना दे सिविल सिटी इलाके च लोक इंसाफ पार्टी दे मुख दफ्तर विखे लोक इंसाफ पार्टी दे हलका उत्तरी इंचार्ज रणदीप सिंह सिव्या अते जिला व्यापारिक प्रधान नवनीत गोपी दी अगवाई हेठ सिमरजीत सिंह बैस नाल 2022 दीआं चोणां नूं लैके मीटिंग कीती गई, जिस विच बहुत वड्डी गिनती च मुस्लिम भाईचारे ते हिंदू भाईचारे ने हिस्सा लिया अते लोक इंसाफ पार्टी विच शामिल होए। इस मौके सिमरजीत सिंह बैस ने कहा कि पंजाब विच कई पार्टियां नूं मौका मिलिया अते ओ अपने वादे पूरे नहीं कर सकियां अते कोई भी काम सही ढंग नाल नहीं कीता, पर लोक इंसाफ पार्टी हमेशा लोक भलाई वास्ते तैयार रही है, जिस करके अज हर इंसान उन्हां दा साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम बाकी पार्टियां नहीं करवा सकियां ओ काम लोक इंसाफ पार्टी करके दिखाओ। लुधियाना तो अमित कुमार दी रिपोर्ट, पंजाब अब तक। सब तो पहला मैं सरदार रणधीर सिंह सिविया जिहड़े मेरे करीबी सीनियर साथी है लोक इंसाफ पार्टी दे, और छोटे वीर गोपी एंड कपूर अतुल सारे दोस्तों का बड़ा ऋणी है, धनवादी है, जिन्होंने बहुत चंगा वड्डा मीटिंग का बंदोबस्त प्रबंध किया। एंड मैं मुस्लिम भाईचारे के सत्कारयोग भरावां का जी आया कहिंदे होए धन्नवाद करदा। अज एक गल साफ तो स्पष्ट आ कि अज लोकां वास्ते ऑप्शन की है पंजाब के अंदर, 10 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, जदों लोग कंपैरिजन करदे आ तुलना करदे आ तो कोई फर्क नहीं गा। अज लोकां दे कोले इक्को ही इकलौती ऑप्शन लोक इंसाफ पार्टी है, जिहदी मिसाल तुसीं देख ली अज बहुत वड्डी गिणती दे विच गुलाम साहब की अगवाई च सत्कारयोग मुस्लिम नौजवान वीरां ने लोक इंसाफ पार्टी च शमूलियत की है। लोक इंसाफ पार्टी का सिद्धांत आ अखबारी बयानों से मीडिया बयानों से कम नहीं, ग्राउंड जीरो के उत्ते करप्शन के बरखिलाफ लोगों न्याय दवाने वास्ते और बेईमाना तंत्र के अंदर लोगों की सुनवाई बिना करप्शन बिना खजल खुआरी तो लोगों के काम करा के देने वास्ते मैं तमाम सत्कारयोग साडे मुस्लिम वीरां नूं वेलकम आखदा। जिहड़ी भावना नाल इन्हां ने शमूलियत कीती आ, ऑलवेज मेरे समेत लोक इंसाफ पार्टी के सारे छोटे वड्डे साथी इन्हां दा भावना का रिस्पैक्ट करते हुए हर वेले इन्हां लई हाजिर रहण। 2022 दे विच चोणां नूं लैके किस तरीके नाल की प्रबंध आ? देखो लोक इंसाफ पार्टी साडा पैन पंजाब सारे जिलों के जथेबंधक ढांचा 117 असेंबली हलकों के साडे हलका इंचार्ज प्रधान नियुक्त है। असी अपना बलबूता साडे कोले अपना तंत्र हैगा, जथेबंधक ढांचा साडे कोले अपना। ये जरूर आ सच ते झूठ की लड़ाई, बेईमानी ते इमानदारी की लड़ाई। अज सच्चाई इस गल दे विच आ भी बेईमानी का बोलबाला, सानूं थोड़ी स्ट्रगल वध करनी पैंदी है, सानूं मुशक्कत वध करनी पैंदी है, पर 2022 10 साल बीजेपी अकाली दल 5 साल कांग्रेस, लोग सानूं लाजमी तौर पर मौका देंगे। पंजाब का आवाम अक्या पिया लुट माफिए तो, उही काम जो 10 साल अकालिया ने किते सेम 5 सालों तो कांग्रेस ही कर रहे हैं। इस करके 2022 दे विच बहुत वड्डियां लोक इंसाफ पार्टी वास्ते संभावनावां ने। साडी पार्टी तो बिना पंजाब के अंदर किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। ये आने वाला समा दसूगा, ये आने वाला समा दसू, हजे तकरीबन 10 महीनों का अरसा पिया। पर मैं फिर कहूँगा कि असी गठजोड़ दे विच जां कल्ले लड़न दे विच सानू कोई हैजीटेशन नहीं। आइडियोलॉजी का गठजोड़ पंजाब के भले वास्ते, पंजाब दे विच लुट माफिया ते करप्शन नू खत्म करन वास्ते आइडियोलॉजी दे नाल कदे कंप्रोमाइज नहीं, सिद्धांत दे नाल कदे समझौता नहीं। साडा सिद्धांत पंजाब दे विचों करप्शन खत्म करना, लुट माफिया खत्म करना, उहदे वास्ते पार्टी नू ताकत दे विच, उहदे वास्ते पार्टी दा स्ट्रेंथन, इहदे लई अलायंस करना नहीं करना, इह हजे समां पिया। समें ते तुहानूं समुची टीम दी हाजरी दे विच अज वड्डी शमूलियत कीती है। मुस्लिम भाईचारे ने लोक इंसाफ पार्टी दी नीतियां नू देखदे हुए और जिहड़ी निरस्वार्थ सेवा पार्टी लोगों की करती है, मैं मेरे ख्याल नवनीत जी ने यह मुस्लिम भाईचारे के कोई बहुत वड्डे वड्डे कोई कम सी उन्होंने, साड़ी टीम के सीनियर मैंबर ने तो व्यापार विंग के साडे प्रधान भी ने
लुधियाने के तो इन्होंने उन्होंने मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़ के उन्होंने जोड़े कम से उन्होंने मसले हल करवाए तो उस प्रभावित होकर लोक इंसाफ पार्टी के नीतियों द्वारा मुस्लिम भाईचारे ने वही गिनती के लोक इंसाफ पार्टी बैंस साहब की अगुवाई में शमूलियत की है। कितने मैंबर ने अज पार्टी ज्वाइन की? 300 मैंबर से 300 परिवार जोड़े मुस्लिम परिवार है 8-10 वार्डा जी साड़ी है 90 नंबर 91-92 साढ़ा 99 नंबर वार्ड तो सके मतलब सारिया वार्डों के वीड्डी शमूलीयत मुस्लिम भाईचारे ने की और बहुत जोश से उन्होंने साढ़े काम करने के ढंग तरीके तो प्रभावित होकर अजो साड़ी पार्टी के आए हैं और विश्वास दवाने उन्होंने कि अगे तो भी जोड़े थोड़े काम है किसी किस्म का कोई काम हो तो साढ़े को लैके आओ लोक इंसाफ पार्टी का हर वर्कर वफादारी ने थोड़ा काम करो। देखो जी सब तो पहला तो मैं उस परमात्मा का उस अकाल पुरख का शुक्र गुजार हाँ कि जिन्होंने सानू अज इस लायक समझिया क्योंकि जो भी है ना उस ईश्वर के हाथ है किसी की शान बनानी किसी ओहदा देना साढ़े हाथ च कुछ नहीं गा ये मालक ने ही सोचा हों अज लोग ना इस सिस्टम धोके तो पे है जो भ्रष्टाचार का सिस्टम हैगा ये धोके तो पे है कि हर एक कौन जाता पैसे दे के काम कराना जेडे पब्लिक सर्वेंट्स है वो खा गए सिस्टम नू वो पब्लिक दे सर्वेंट नहीं गए वो साढ़े मतलब कि बाप समझ लो बने हुए है इस सिस्टम नू नकेल किन्ने पाई इस भ्रष्टाचार नू नकेल पाई बैंस साहब ने क्योंकि भ्रष्टाचार नू और किसी ने नहीं रोकिया सारे रल के भ्रष्टाचार कर रहे इत्थे बैंस साहब ने नकेल पाई अज लोग मेरे तो नहीं बैंस साहब की नीतियों तो प्रभावित हो के लोक इंसाफ पार्टी के जुझारू लीडरों तो प्रभावित हो के जेडे कि कभी किसी तो डरते नहीं भ्रष्टाचार को नकेल पाने वास्ते कभी किसी तो डरते नहीं हक सच की लड़ाई लड़ते हैं ये सारे जिन्ने भी परिवार हक सच की लड़ाई तो प्रभावित होकर साढ़े नाल जुड़े है अज उन्हां दा कहना है कि वो इस पिछलियां सरकारां तो अकाली सरकारां तो कांग्रेस दियां सरकारां तो अक चुके सी पहलियां सरकारां ने झूठे वादे किए फिर जो अपना कांग्रेस सरकार हैगी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इन्होंने गुटका साहब से सहुं खाधी तो वह भी झूठे वादे किए फिर जो लोगों बिजली तो आराम नहीं गा हूँ एक नवा इत्थे लीडर आ गए तुहानू पता आम आदमी पार्टी के भगवंत मान आ गए उन्होंने कहा कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा मतलब कि हमेशा तो हमेशा पंजाब के लोगों गुमराह किया जा रहा तो सिर्फ पंजाब के हक सच वास्ते लड़ी लड़ाई जड़े बैंस साहब अधिकार यात्रा भी कटते हैं किसानों के हकों वास्ते भी खड़ते हैं तो हमेशा उन्होंने नीतियों तो प्रभावित हो गया अब मुस्लिम भाईचारा साढ़े नाल सारे का सारा जुड़ गया नि जिन्ना नॉर्थ हल्के का परिवार से उन्हें सारे ने अज शमूलीयत की है साढ़े हल्का इंचार्ज जोड़े है नॉर्थ के उन्होंने अगवाई हेठ इतने आके शमूलीयत की तो मैं गल की है कि भगवंत राम ने मान ने गल की है बिजली फ्री कर दें हाँ जी तुहाडी पार्टी आती है कि तुसीं की करोगे देखो जी जो सरकार दी नीतियां होंदी हैं जो सरकार दी नीतियां होंदी हैं उस वेले बनाई जाती है क्योंकि असी बिजली पंजाब दे विच पैदा की जाती है कि जो असी रिलीफ होएगा जेकर साडी पंजाब दे विच सरकार बनती है साडे सीएम साहब जड़े अपने पार्टी प्रधान होणगे तो जो नीतियां लियाणगे जो पब्लिक दे जनता दे हक दे विच क्योंकि उन्हां दीआं लोक मारू नीतियां नहीं गियां ना वो झूठियां कसमां चकदे वो तो लोगों नूं जागरूक करदे वो पंजाब दे हकां वास्ते लड़दे ते वो पंजाब दे हकां वास्ते जो नीतियां लियाणगे इन्हां नालों कई बैटर क्योंकि झूठे वादे नहीं करनगे ना वो ऐ नहीं कहणगे कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा इन्होंने दिल्ली दे विच कोई बिजली नहीं फ्री की 200 यूनिट्स तक जिहड़ा हैगा वह बिल नहीं आता इस तो अगे वह बिल आता है 200 यूनिट तक फ्री अज भगवंत मान जी कहिंदे कि असीं बिजली फ्री कर देंगे जिवें दिल्ली च फ्री गी दिल्ली च कोई बिजली फ्री नहीं गी मेरा तुहानूं दसना ये तो फर्ज है।